ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। होप सो यू ऑल विल बी वेल एंड फाइन। डियर स्टूडेंट्स, यू मे आल्सो विजिट आवर लेक्चर्स एट आवर वेबसाइट, दैट इज www.spiraacademyonline.com। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9th, लेक्चर नंबर 13, टॉपिक हमारा आज का है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो डियर स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को जब भी आप स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी में आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बायोलॉजी का पहला लेक्चर आपका मैंने स्टार्ट करवाया था, तब जो है कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताई थी, बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बताया था, उनकी हिस्ट्री बताई थी, डेफिनेशंस कैसे करते हैं वो बताई थी। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट, देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की जो डेफिनेशन है वो हम खुद जनरेट करेंगे। कॉन्सेप्ट जनरेट करना, डेफिनेशन को जनरेट करना और बैकग्राउंड नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ रट्टे पर आपने फोकस नहीं करना। तो अभी हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशंस आप पहले भी, आपको पता है भी, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तंजीम को, किसी भी तरतीब को बोलते हैं हम, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। सेल्स क्यों अरेंज होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अजसाम बनाने के लिए, ठीक है। पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू मेक द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखें डेफिनेशन कैसे करेंगे, द मेथड्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के अजसाम बनाने के लिए सेल्स की तरतीब लगने के जो तरीके हैं आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको हम कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं है, आप इसको जो है बुक में जहां पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे इसको नोट कर लें और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो उसके बाद अपने जो है बुक की तरफ जाने से पहले ही, अपने जो टॉपिक है हमारा बेसिकली उसकी तरफ जाने से पहले आपको जो है वो डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे जो कि अगर आपको समझ आ गई तो आपको टॉपिक बिल्कुल जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। पहला आपको पता चल गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। उसके बाद देखें, चूंकि उसमें हमने पढ़ा कि सेल्स की अरेंजमेंट के मेथड हैं वो। अब सेल्स कितनी किस्म के हमें पता होना चाहिए कि कितनी किस्म के सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। देखें जी, टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, तो ये भी आपको जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा था कि ये वो टर्म्स हैं जो कि आगे आएंगी और आपको इनका पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल्स, नंबर वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी जानदार होते हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल से जो है वो बने होते हैं। तो दोनों में से एक टाइप का सेल जो है वो एक जानदार के अंदर होगा, ये नहीं हो सकता कि दोनों टाइप के सेल्स जो है वो एक ही जानदार के अंदर मौजूद हों। उसके बाद देखिए जी, टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, मेथड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स थे, कि सेल्स की अरेंजमेंट के मेथड थे। अब कितनी किस्म के ये मेथड हैं कि सेल्स अरेंज होकर जानदार बनाते हैं, उनमें से पहली ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इस मेथड से सेल्स अरेंज होते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। दूसरी है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जब सेल्स की अरेंजमेंट होती है तो जो जानदार बनेंगे उनको हम बोलेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जब सेल्स इस मेथड से अरेंज होंगे तो जो जानदार बनेंगे उन्हें बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बाद जब इन तीन टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन के बाद कितनी किस्म के जानदार जो है वो बन जाते हैं, फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनते हैं। पहले को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, दूसरे को हम प्रोटिस्ट्स कहते हैं, तीसरे को हम फंजाई कहते हैं, चौथे को हम प्लांट्स कहते हैं और पांचवें को हम एनिमल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा जो है वो बेसिक और बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। टू टाइप्स ऑफ द सेल्स अरेंज इन द थ्री वेज टू मेक द फाइव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फाइव ग्रुप्स कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस टॉपिक को समझने से पहले ये लाइन आप मेरे साथ जरूर रिवाइज करें। टू टाइप्स ऑफ द सेल्स अरेंज इन द थ्री वेज टू मेक द फाइव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दो किस्म के सेल्स, पांच तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से पांच किस्म के जानदार बना सकते हैं।
अब जो है हम क्या करेंगे, तीनों ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम जो है अकेला अकेला करके इनको जो पढ़ेंगे। और आपकी बुक के कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाते हैं, देखें जी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स जो है, जहाँ पे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपके बुक के टॉपिक पे आप चले जाएं, वहां पर देखें लिखा होगा ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स। जितने भी जानदार हैं इस दुनिया के अंदर उनको पांच बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पहले प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स और पांचवा एनिमल्स। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारे जानदार सेल्स के बने होते हैं, ठीक है जी। और सेल्स के कितने टाइप्स हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स इन द फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के जो प्रोकैरियोट्स वाले हैं, ठीक है, आर मेड ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। बाकी चारों के चारों ग्रुप जो है वो किसके बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, बाकी चारों ग्रुप जो है वो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। उसके बाद आगे आपकी जी वही बात के टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप है, सेल्स कितने मेथड से अरेंज होते हैं टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स मेक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इनसे जो जानदार बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये मतलब बड़ा बेसिक और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, बस आपको जो है वो रटे की तरफ नहीं जाना, आपको इसको समझ के जो है वो करना है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नाम से उसका जो है वो जाहिर हो रहा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन मीन वन सेल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सेल अरेंज होगा टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। एक ही सेल से जानदार की जो है वो बॉडी बनेगी, जानदार एक सेल वाला यानी कि होगा। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल होगा जो कि जानदार के जो है बॉडी को बनाएगा, उसकी जिंदगी को बनाने वाला होगा। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल, ठीक है। तो एक ही जो सेल होगा वही सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी उसी से होगी, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स भी उसी के अंदर जो है होगी, ग्रोथ भी उसी में होगी, ठीक है जी। और देखिए जी एग्जांपल कौन सी है, अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। अगर आप जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल देने चाहेंगे तो बैक्टीरिया में आप एस्केरिशिया कोलाई की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है जी। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। तो ये वाले सेल्स जो हैं ये तीनों ही सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक हैं। इसमें देखें पहला अमीबा है, दूसरा इसमें आपको जो नज़र आ रहा है सोल लाइक, ये जो है पैरामीशियम है, और तीसरा इसमें जो है यूग्लिना है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। तो कॉलोनियल के नेम से आप देख लें कि कॉलोनियल मीन दे मेक द कॉलोनीज, कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनियां बनाते हैं। जैसे हमारी अगर कॉलोनी बनी हो तो कॉलोनी के अंदर रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे होते हैं दे हैव टू स्पेंड देयर ऑन लाइफ, उनको अपनी लाइफ खुद स्पेंड करने पड़ती है, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर वाइटल रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी वाइटल लाइफ रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने भाई की जगह पे सांस ले लूं, या मैं किसी कॉलोनी के अंदर और किसी फर्द की जगह पे मैं सांस ले लूं, उसके हिस्से का खाना मैं खाऊं, वो जिंदा रह ले, ऐसा नहीं होता। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे मिलकर रहते हैं, इसको देखते हैं हम। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार इसमें होते हैं, बट दे लिव टुगेदर, वो जस्ट इकट्ठा रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, लेकिन उनके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि वो एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, काम अपना अपना उनको करना होगा। Each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cells for its vital requirements. Vital होती है necessary for life, जिसके बगैर जिंदगी possible नहीं हो, वो vital requirements हैं, जैसे respiration के बगैर जो है वो life possible नहीं है। ठीक
ठीक है। तो ऐसे वो वाली रिक्वायरमेंट्स जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं वो वाइटल रिक्वायरमेंट्स का लाएंगे। तो कहता है कॉलोनी के अंदर रहने वाला जितने भी जानदार हैं वो वाइटल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों के ऊपर, दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो सारे सेल्स भी होते हैं और वो सारे जो है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अगर 1,00,000 सेल्स भी इकट्ठे रह लें वो मिलकर टिश्यू नहीं बना सकते, ठीक है जी। उनमें नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता, मल्टी सेलर वाला टिश्यू नहीं उनमें आ सकता। वो सारे यूनिसेलर ही होंगे, सिर्फ क्या कर रहे हैं वो मिलकर रह रहे हैं और एक कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन अल्गा फाउंड इन द वाटर, ठीक है। तो पानियों के अंदर पाया जाने वाला, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाने वाला ये ग्रीन अल्गा आप नजर आ रहा होगा, जिसको हम जो है वॉलवॉक्स कहते हैं। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है और ये इसके अंदर छोटी कई कॉलोनियां और भी आपको नजर आ रही हैं। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, तो वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स, अल्गा है ये बुनियादी तौर पे कह लीजिए जैसे एलजी होता है, ठीक है। तो उसके सैकड़ों सेल्स मिलके जो है वो एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं और एक बड़ी कॉलोनी के अंदर जो है वो डॉटर कॉलोनीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने पढ़ा कि यूकेरियोटिक सेल्स इसमें होते हैं और इसमें बल्कि यूकेरियोटिक सेल्स क्या आप कहेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे लिव टुगेदर एंड मेक कॉलोनी, वो इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनियां बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी सेल्स इसमें इकट्ठे रह लें, चाहे वो 1,00,000 हो या कई लाख सेल्स इकट्ठे हों एक कॉलोनी में, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर सकते, यानी कि उनमें टिश्यू लेवल नहीं हो सकता, उनमें आगे ऑर्गन लेवल नहीं हो सकता, वो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए जी, इसके बाद आ जाती है मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मल्टी सेलर मतलब मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स की अरेंजमेंट जब लगेंगी तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तरतीब पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, और वो मिलकर टिश्यू बनाएंगे। जैसे हमने पीछे टिश्यूज पढ़े हैं जिसमें सिमिलर सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड दे हैव द डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यूज मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे हर लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद होगी, ठीक है। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर जो है क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल, मल्टी सेलर इंडिविजुअल जो है वो अरेंज हो जाता है, वो बिल्डअप हो जाता है। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्टली प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो प्लांट्स में एक फैमिलियर एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट की है, सरसों का पौधा, या आम जबान में आप कह लें साग वाला पौधा जो है, ठीक है जी। और फ्रॉग जो है ये एनिमल्स से ली गई एग्जाम्पल है जो कि मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी मस्टर्ड प्लांट को एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम, क्योंकि बायोलॉजी में हर जानदार का एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। तो ये पहली इसका जीनस नेम होता है और दूसरा इसका स्पीशीज का नाम होता है। सिर्फ जीनस के नेम में जो पहला लेटर आएगा उसको कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। स्पीशीज नेम को कभी भी कुछ भी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। तो मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन द विंटर, इसको सर्दी में बोया जाता है, एंड इट प्रोड्यूसर सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, और विंटर के एंड पे ये सीड प्रोड्यूस कर देता है। ये मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाया हो, जिसके न्यू लीफ हैं, जो इसके न्यू लीफ हैं वो देखिए ज़रा बारीक होते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेम दिखाया है, ओल्ड लीफ ज़रा इसके चौड़े से होते हैं, मोटे से होते हैं, ठीक है। न्यू लीफ टेपर्स होते हैं, और ये इसके रूट्स दिखाई हैं, ये इसके फ्लावर्स दिखाए हैं। द प्लांट बॉडी इज यूज एज वेजिटेबल, प्लांट बॉडी को हम जो है वो वेजिटेबल के तौर पे साग हम खाते हैं, एंड इट्स सीड्स, और इसके बीजों से जो है वो क्या करते हैं हम, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकाला जाता है, सरसों वाला तेल जो हम जो है लगाते हैं बालों के ऊपर। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन जो है बड़ा ही फैमिलियर क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेजिटेटिव ऑर्गन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स. द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डोंट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी कर सकते हैं. द ऑर्गन्स विच डोंट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव ऑर्गन. वेजिटेटिव ऑर्गन की एग्जाम्पल कौन सी आप देंगे? रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं. ठीक है, जो कि नेचरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते. तो रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव से आप नया पौधा नहीं उगा सकते मस्टर्ड प्लांट में. उसके बाद है जी, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लावर जो है वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि जो फ्लावर होता है, फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट एंड फ्रूट बियर सीड. सीड को बो देते हैं जब आप तो नया पौधा उग जाता है. तो इसलिए फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. तो फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, चूंकि इससे जो है वो फ्रूट बनते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं. सीड को बोने से नया पौधा उग जाता है, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. तो इसके भी डेफिनेशन कर सकते हैं हम. ठीक है, जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन की थी द ऑर्गन विच डोंट टेक पार्ट, अब हम कहेंगे द ऑर्गन विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है जी, एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? एग्जाम्पल इसकी फ्लावर्स होगी. दोबारा देख लें, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. और फिर ये फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स के आगे जो है उनके अंदर सीड होता है, सीड से नया पौधा उगाया जा सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो जाती है. नेक्स्ट है जी आपका फ्रॉग एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलर एनिमल. फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्रेना. ठीक है जी, राना जीनस नेम है और टिग्रेना इसके स्पीशीज का नेम है. जीनस नेम में पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है. अगर आप कैपिटल नहीं लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम रॉन्ग हो जाएगा. राना टिग्रेना फ्रॉग शोज द मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. द बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम. इसका बॉडी ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है और ऑर्गन सिस्टम जो है वो आगे किसका बना होता है? ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन. ऑर्गन आगे किसके बने होते हैं? स्पेसिफिक टिश्यू के बने होते हैं. चूंकि एनिमल है तो एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज, इनको ग्लैंडुलर टिश्यू आप कह सकते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और नर्वस टिश्यू मौजूद होते हैं. तो इस तरीके से फ्रॉग के अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जिसमें सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एनिमल बन जाता है, जैसे कि फ्रॉग जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स का बना हुआ है. होप्स हो कि आपको ये जितनी चीज़ें समझाई गई हैं ये आपको इनकी समझ आ चुकी होगी. और आप ये बात याद रखें कि बायोलॉजी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट का होना, बेसिक टर्म्स की हिस्ट्री का आपको पता होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो सेलर ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स का पता होना चाहिए, आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस का पता होना चाहिए. यहाँ पे आपको मस्टर्ड प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट का और वेजिटेटिव पार्ट के डिफरेंस का पता होना चाहिए. और जितनी भी टर्म्स हैं उनको अगर आपकी बुक में नहीं होती हैं तो आप उनको नोट कर लिया करें. कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. लेकिन इससे पहले आप क्या किया करें, ये जो वीडियो है, हमारे जो लेक्चर्स हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.